वेलकम बैक इन आवर चैनल आर्यन इज पॉइंट। गाइस आज हम आपके लिए लाए हैं कि स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है टेंस के पार्ट्स। गाइस आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि टेंस के पार्ट्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे इजीली समझ सकते हैं। गाइस तो गाइस अगर आप इस टॉपिक को कवर करना चाहते हो तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड एंजॉय कीजिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। टेंस, गाइस टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। ये काफी एक अच्छा टॉपिक है। लाइक टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। गाइस सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन क्लियर करने वाले हैं कि अगर कोई पूछता है टेंस का डेफिनेशन क्या होता है तो आप कैसे बताओ। गाइस टेंस का डेफिनेशन ये होता है, अगर कोई भी सेंटेंस हमने लिखा और उसमें हर सेंटेंसेस में उसके टाइम एंड स्टेट्स अलग अलग हो तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हो कि टेंस वो होते हैं जो हर सेंटेंस के टाइम एंड स्टेट को शो करते हैं, तो उसे हम टेंस बोलते हैं। गाइस सो टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। गाइस टेंस तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन जो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि तीनों टेंसों में से सबसे पहले टेंस कौन सा आता है, तो गाइस आप इजीली आंसर कर सकते हो कि तीनों में सबसे पहले पास्ट आता है, पहले पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। गाइस तीनों टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैंने इजीली लिख रखा है कि टेंस का मतलब क्या होता है, काल या समय। ये तीन तरह के होते हैं, सबसे पहले पास्ट टेंस, दूसरा है हमारा प्रेजेंट टेंस एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस। गाइस पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल, जिसके लास्ट में था, थे, थी आना चाहिए, मतलब वो काम हो चुका है। दूसरा है हमारा प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान, जिसमें काम चल रहा हो। एंड फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, जिसका मतलब वो काम होने वाला है, आगे होगा। इन तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट्स होते हैं। लाइक पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स यहां पे हैं। सबसे पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट एंड चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही हमारे प्रेजेंट के पार्ट्स होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसे ही फ्यूचर के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गाइस तो गाइस ये है हमारे टोटल 12 टेंसेज जो काफी हेल्पफुल होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए। तो गाइस आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और सीख सकते हो कि टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस कितने तरह के होते हैं, उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो गाइस आज हमने कवर किया कि टेंस का मींस क्या होता है, टेंस कितने तरह के होते हैं और उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। गाइस अब हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक टेंस जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।